परिचय विद्यार्थी गणों इन दो समुचियों को देखें इन दो समुचियों के बारे में आप क्या कह सकते हैं ये दोनों सम समुच्चय हैं बहुत अच्छा ए तथा बी सम समुच्चय हैं अब यदि हम इस सम समुच्चय को यानी सी को लेते हैं तो हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं समुच्चय सी समुच्चय बी तथा समुच्चय ए का उपसमुच्चय है सर एक उपसमुच्चय क्या है आओ मैं तुम्हें बताता हूं उद्देश्य इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे उपसमुच्च की व्याख्या करना घात समुच्चि को परिभाषित करना सार्वत्रिक या सार्वसमुच को जानना वेन आरेख की व्याख्या करना समुच्चयों पर संक्रियाएं लिखना उपसमुच्चे जब हम एक समुच्चय को परिभाषित करते हैं तब यदि हम उस समुच्चय के हिस्से को लें, तो हम उसकी रचना कर सकते हैं जो एक उप कहलाता है अतः उदाहरण के लिए हमारे पास समुच्चय एक दो तीन चार पांच है इसका एक उप समुचे एक दो तीन है एक दूसरा उप समुच्चे तीन चार है अथवा और भी एक उपसमुच्चय एक है हालांकि एक छ एक उपसमुच्चय नहीं है क्योंकि इसमें एक अवयव सम्मिलित है जो इसके मूल समुच्चे में नहीं है सामान्य रूप में बी का एक उपसमुच्चय ए है यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो अन्य परिभाषाएं: ए बी का एक उपसमुच्चय है अथवा इसमें सम्मिलित है इसको इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है बी एक अधिसमुच है अथवा ए के अवयव इसमें सम्मिलित हैं, इसको इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है यदि ए बी का एक उपसमुच्चय है तथा बी में वे अवयव सम्मिलित हैं जो ए में नहीं है तब ए बी का एक उचित उपसमुच्चय है यदि ए बी का उचित उपसमुच्चय है तो इस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए हम इस प्रतीक का उपयोग करते हैं यदि ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो हम उस संबंध को निर्दिष्ट करने के लिए इस तरह से इसे लिखते हैं यदि समुच्चय ए में केवल एक ही अवयव है तो हम उसे एक एकल समुच्चय कहते हैं इस प्रकार ए एक एकल समुच्चय है अब इन प्रतीकों को देखिए पहले का मतलब तात्पर्य है तथा दूसरे का मतलब यदि और केवल यदि है आर के उप के रूप में अंतराल एक वास्तविक अंतराल एक ऐसे गुणों वाला वास्तविक संख्याओं का एक समुच्च है जहां समुच्च में दो संख्याओं के बीच की संख्या भी समुच में सम्मिलित होती है उदाहरण के लिए सभी संख्याओं एक्स अंतराल शून्य छोटा या बराबर एक्स छोटा या बराबर एक से को संतुष्ट करने वाला समुच है जिसमें शून्य और एक समेत उनके बीच की सभी संख्याएं सम्मिलित हैं माना कि ए बी आर के अंतर्गत आते हैं तथा ए बी से छोटा है तब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय वाई इस तरह है कि ए छोटा है वाई से वाई छोटा है बी से जिसे विवृत्त यानी खुला अंतराल कहा जाता है तथा ए बी से निरूपित किया जाता है ए और बी को छोड़कर ए और बी के बीच के सभी बिंदु विवरित अंतराल के अंतर्गत आते हैं समृद्ध यानी बंद अंतराल को इस प्रतीक द्वारा निरूपित किया जाता है समृद्ध यानी बंद अंतराल एक ऐसा अंतराल है जिसमें अंत्य बिंदु भी सम्मिलित होते हैं घात समुच्चय यदि हमारे पास एक समुच्चय ए बी सी है तब इसका एक उप ए या बी अथवा ए सी इत्यादि हो सकते हैं तथा ए बी सी भी एबीसी का एक उपसमुच्च है तथा रिक्त समुच्चय भी ए बी सी का एक उप समुच्चय है पीएस बराबर ए बी सी ए b a c b c a b c यदि मूल समुच में n सदस्य हैं तब घात समुच में दो की घात n सदस्य होंगे उदाहरण समुचे ए बी सी में तीन सदस्य हैं ए बी तथा सी अतः घात समुच में दो की घात तीन बराबर आठ होने चाहिए जो कि हैं समुच्चय परिभाषा समुच्चय जिसमें विचाराधीन समस्या में सम्मिलित सभी अवयव अथवा वस्तुएं सम्मिलित होती हैं सार्वत्रिक या सार्व समुच्चय कहलाता है अन्य सभी समुच्चय सार्वत्रिक या सार्व, सार्व समुच्चय के उपसमुच्चय हैं सार्व समुच्चय को प्रायः यू से तथा उसके सभी उपसमुच्चयों को अक्षर ए बी सी इत्यादि द्वारा प्रदर्शित किया जाता है समुच्चय का उदाहरण सभी पूर्णांकों के समुच्चयों के लिए सार्वत्रिक समुच्चय परिमय संख्याओं का समुच्चय हो सकता है वेन आरेख वेन आरेख या समुच्चय आरेख एक आरेख है जो कि एक परिमित संग्रह के समचियों के बीच सभी संभावित तार्किक संबंधों को दिखाता है वर्ष अठारह के आसपास वेन आरेख की कल्पना जॉन वेन द्वारा की गई थी एक वेन आरेख को एक समतल में खींचे एक सरल बंद वक्रों के संग्रह से बनाया जाता है वेन आरेख के दृष्टांत एक वेन आरेख खींचने के लिए सबसे पहले एक आयत खींचते हैं जो आपका सार्वत्रिक कहलाता है वेन आरेख के संदर्भ में सार्वत्रिक सब कुछ नहीं होता है किंतु वह सब कुछ होता है जिसके अंतर्गत आप अभी काम कर रहे हैं आइए निम्नलिखित वस्तुओं की सूची तैयार करते हैं छचूंदर हंस रेबिड स्कंक, गीज कीड़े घोड़े एडमिंटोसोरस प्लेटिपस और एक मोटी बिल्ली हम अपने सार्वत्रिक को पशु बुलाएंगे आइए हम चीजों को उनके छोटे होने रोए अथवा बत्तख चंचू के अनुसार उन्हें वर्गीकृत करते हैं हमारे वर्गीकरण को दर्शाने के लिए हम वृत्त खींचते हैं अब हम आरेख में अवयव डालेंगे या वृद्धि करेंगे चचूंदर, रेबिडिस्कंक तथा मेरी बिल्ली सभी छोटे व रोहेदार हैं हंस गीज तथा एडमिंटोसोरस सभी बत्थक चंचु है। हैं कीड़े छोटे हैं मगर रोहेदार नहीं हैं और घोड़े रोहेदार हैं लेकिन छोटे नहीं, है। और नहीं हैं और न ही बत्थक हैं हालांकि वे पशु हैं वे हमारे सार्वत्रिक समुच के भीतर फिट होते हैं लेकिन वृत्ति के बाहर समुच्चयों पर संक्रियाएं, सम्मिलन या संघ सम्मिलन दो समुच्चयों ए तथा बी का समुच्चय है जिसमें वे अवयव होते हैं जो ए के अवयव हैं या बी के अवयव हैं ए सम्मिलन बी को इस तरह लिखा जाता है यदि ए बराबर तीन चार तथा बी बराबर एक दो तीन पांच तब सम्मिलन बराबर एक दो तीन चार पांच उदाहरण यदि ए अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है तथा बी सम संख्याओं का समुच्चय है तब ए सम्मिलन बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स सम है अथवा एक्स अभाज्य है यदि ए बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स पांच से बड़ा है तथा बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स तीन से छोटा है तब ए सम्मिलन बी बराबर एक्स इस तरह है कि एक्स तीन से छोटा है या एक्स पांच से बड़ा है आरेख सम्मेलन या संघ एक को लाल रंग के वृत्त से तथा बी को नीले रंग के वृत्त से प्रदर्शित किया जाता है सम्मेलन में लाल या नीले या पीले रंग के सभी बिंदु सम्मिलित होते हैं सम्मेलन की संक्रियाओं के कुछ गुण सम्मिलन एक क्रम विनिमय संक्रिया है ए सम्मिलन बी बराबर बी सम्मिलन ए सम्मिलन एक सहचर्य संक्रिया है ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी बराबर ए सम्मिलन बी सम्मिलन सी तत्समक अवयव का नियम फाई सम्मिलन की अन्यता है ए सम्मिलन फाई बराबर ए वर्ग सम नियम ए सम्मिलन ए बराबर ए यू का नियम यू सम्मिलन ए बराबर यू क्या आप जानते हैं घात समुच्चय दुई पद से संबंधित है एन अवयवों वाले एक समुच्चय के घात समुच्चय में के अवयवों वाले समुच्चयों की संख्या एन सी के का एक संयोजन होगी जिसे द्विपद गुणांक भी कहा जाता है सारांश आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। तो एक समुच्चय ए को एक समुच्चय बी का उप कहा जाता है यदि ए का प्रत्येक अवयव बी का भी अवयव हो अंतराल आर के उपसमुच है एक समुच्चय ए एक का एक घात समुच्चय ए के सभी उपसमुचों का संग्रह है इसे पी ए द्वारा प्रदर्शित किया जाता है विचाराधीन समस्या में सम्मिलित सभी अवयवों अथवा वस्तुओं के समुच्चय को सार्वत्रिक या सार्व, सार्व समुच्चय कहा जाता है वेन आरेख अथवा समुच्चय आरेख वो आरेख है जो समुच्चयों के एक परिमित संग्रह के बीच सभी संभावित तार्किक संबंधों को दिखाता है दो समुचयों ए और बी का सम्मिलन उन सभी अवयवों का समुच्चय है जो या तो ए में है अथवा बी में है